इसे आप बहुत आसान भाषा में इस तरह से समझिए कि फ्रॉड एक तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रॉड से होने वाले जो नुकसान हैं, किसी का पैसा चला जाना, किसी उसकी ना कोई रिकवरी हो रही है और वो लगातार वो नुकसान बढ़ता जा रहा है। आज 100 रुपये गए, कल 200 रुपये चले गए, परसों 500 चले गए, इस तरह से ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। और इन तमाम लोगों में आम लोग हैं, रिटायर्ड बुजुर्ग हैं और कई कंपनीज भी हैं, यानी कोई नहीं बचा इससे। अब रिपोर्ट ये कहती है कि बढ़ते ये जो फ्रॉड का बढ़ता दायरा है, उससे होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए अब AI और मशीन लर्निंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये इंसानों के बस की बात नहीं है साहब। तो क्या वाकई में एक तो ये फ्रॉड से होने वाला नुकसान क्यों बढ़ रहा है? फ्रॉड तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, क्या इससे बचने के लिए अब AI मशीन लर्निंग का सहारा लेना होगा? करना क्या होगा, किस किस लेवल पर करना होगा, करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ऑनलाइन हुए नहीं कि ठग एक्टिव हो जाते हैं, आपकी थोड़ी सी चूक उनके लिए ठगी का मौका बन जाता है। दरअसल ऑनलाइन सेवा से जुड़ी KYC, शॉपिंग, बैंकिंग, बिल पेमेंट्स, कस्टमर केयर सेवा, एयर, ट्रेन, बस और सिनेमा के टिकट्स, जाने क्या क्या ऑनलाइन, यानी फाइनेंस पार्ट का एक बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब यही सुविधा जालसाजों के लिए ठगी का बड़ा जरिया बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि फ्रॉड से होने वाले नुकसान में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर एक्सपीरियन की माने तो भारत में 64% लोग और संस्थाएं ये मानते हैं कि उनके साथ हो रहे फ्रॉड की वजह से उनका वित्तीय नुकसान बढ़ा है। यही नहीं, भारत में करीब 67% लोग और संस्थाएं मानते हैं कि वो फ्रॉड के तेजी से बदलते स्वरूप से बचने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। यानी फ्रॉड बढ़ने के साथ साथ इन धोखाधड़ियों में लोगों को हो रहा नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर इस तरह के फ्रॉड का शिकार आम लोग और बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्हें बदलती तकनीक का इतना ज्ञान नहीं होता। एक्सपीरियन की माने तो बदलती तकनीकी ठगी के तरीके में भी बदलाव ला रही है। ऐसे में AI और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी इन चुनौतियों से निपटने में बेहद कारगर भूमिका निभा सकती है। फिलहाल तो ठगी के बढ़ते मामलों के पीछे जो बड़ी वजह है, उसमें कंज्यूमर पर पड़ता वित्तीय दबाव, डाटा में लगने वाली सेंध, वही AI का भी दुरुपयोग खूब हो रहा है। खासकर डिजिटल जानकारी का अभाव, लालच और पहचान संबंधी दस्तावेजों में सेंध लगाकर ठग जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। वही फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस की कमी के चलते भी फ्रॉड से निपटने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक्सपीरियन के फ्रॉड से जुड़े ये आंकड़े परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। खुद RBI ने 1.5 महीने पहले ही बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड से जुड़ा एक आंकड़ा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच बैंकों में फ्रॉड के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। धोखाधड़ी के इन मामलों में प्राइवेट बैंकों के ग्राहक सर्वाधिक शिकार हुए और फ्रॉड की रकम का दायरा भी बढ़ा है। फिलहाल देश में फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की बात करें तो करीब 2 लाख मामलों के साथ पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, वहीं 1,30,000 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और 1,20,000 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर गुजरात है। एक तो लोगों में तकनीकी के मामले में दक्षता और जागरूकता की कमी है, तो कुछ लोग डाटा में सेंध लगने के चलते ठगी का शिकार हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर फ्रॉड की इस बाढ़ पर लगाम कैसे लगे? तो एक्सपीरियन की रिपोर्ट में इसका उत्तर देने की भी कोशिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 67% फाइनेंशियल संस्थाएं ये मानती हैं कि इस तरह के फ्रॉड से पार पाने में AI और मशीन लर्निंग टूल ही कारगर जरिया हो सकते हैं। ये स्टडी 10 से ज्यादा देशों के 300 से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्रॉड मैनेजर्स के बीच हुए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भारत समेत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने AI एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और भारतीय संदर्भ में तो ये 64% के आसपास है, लेकिन ग्लोबल अगर एक्सपीरियन रिपोर्ट का मैं पढ़ूं, जितना मैं समझ पाया, इसमें 70% बिजनेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका फ्रॉड लॉस लगातार बढ़ता रहा है, और साथ ही साथ कम से कम 50% जो इनके रिस्पोंडेंट्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, उन्हें लग रहा है कि हम पिछले साल से ज़्यादा इस बार टारगेट में हैं। तो ये फ्रॉड का बढ़ना तो समझ में आता था,
लेकिन फ्रॉड की वजह से वित्तीय नुकसान, यानी कि रेंज बढ़ रही है फ्रॉड की, गहराई बढ़ रही है, उसकी गंभीरता बढ़ रही है, इस पर ध्यान है या नहीं है किसी का सर? नहीं, बहुत बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि एक और इसमें डेटा मैं ऐड करूंगा, करीब 30-35% लोगों के संग रिपीट ऑफेंस भी हुए हैं, जिसमें कि 2 बार या 3 बार लूटे गए हैं या उनके डेटा ब्रीचेस जो है वो बार बार हुए हैं। तो जो इसका इम्पैक्ट है वो ऐसा नहीं कि एक बार हो गया और उसी का है, ये बार बार भी हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लूपोल्स रह जाते हैं, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रह जाती है। जब जब रूट कॉज एनालिसिस होता है तो पूरी तरीके से वो सिस्टम फिक्स नहीं हो पाता। ऐसा इस तरह से मान के चलिए कि रैंसमवेयर जब अटैक होने शुरू हुए, तो पहली बार जब रैंसमवेयर अटैक होता है तो पूरी तरह से रूट कॉज एनालिसिस करके निकाल लिया जाता है कि क्या कमजोरी थी जो एक्सप्लॉइट हुई, और उसी कंपनी को दोबारा रैंसमवेयर अटैक हो जाए। तो इसका मतलब या तो कोई बैकडोर छोड़ दिया गया था या प्रोसेस फिर भी मेच्योर नहीं हो पाए और फिर से कोई नई वल्नरेबिलिटी आ गई। तो ये इस तरह के केसेस भी बहुत देखे जा रहे हैं। क्राइम का जो जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। पहले जो छोटे अमाउंट के क्राइम होते थे, अभी अभी हम देख रहे हैं कि 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ के विक्टिम भी है हमारे पास। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। एआई जनरेटेड फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो अटैक होते हैं वो भी एआई जनरेटेड हो गए। डॉस अटैक जो भी मुझे पिछले हफ्ते में लगातार 2-3 ऐसी कंपनीज ने अप्रोच किया जो डीडॉस अटैक से परेशान हैं और वो एआई जनरेटेड है। तो ऐसा बहुत कॉमन हो गया है, जिसको कि हमने अंदेशा जताया था जब एआई आया था, जी एआई का उपयोग नेगेटिवली ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन है कि अब इसको काटने के लिए एआई ही लाना पड़ेगा, और ये और मैं आऊंगा अपॉर्चुनिटी सर कि इसमें एआई कैसे भूमिका निभा सकता है, लेकिन जरा अभी हम हुआ क्या है एग्जैक्टली ये समझें। दीपिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा एक आम लोगों के नजरिए से समझाएं, एक बहुत अच्छा डेटा जो अमित ने भी ऐड किया, ये वो ऑफेंसेस हैं, ये वो फ्रॉड्स हैं जो लगभग 35 से 40 लोगों में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फ्रॉड का दायरा बढ़ रहा है, उनका नुकसान बढ़ रहा है, लगातार लोगों को नुकसान हो रहा है। तो फ्रॉड लॉसेस, जिस पर आज तक शायद आम चर्चा विमर्श हो नहीं रहा था, ये अब इस रिपोर्ट से उजागर हो रहा है कि लॉसेस भी हो रहे हैं। इसको एक आम आदमी की भाषा में दीपिका कैसे समझाएंगी कि ये कितनी बड़ी समस्या है? जी, तो अगर इस समस्या को मैं एक आंकड़ा देना चाहूं दीपक जी, वो होगा 8.01 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि अगर हम एक इकोनॉमी के एनालॉजी से समझे वो होगा वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जो आंकड़ा है ये ग्लोबली जितने साइबर क्राइम्स की वजह से लॉसेस हुए हैं ओनली इन द ईयर 2023 ओनली। इसके पहले जो नंबर था वाज अबाउट 7.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2022, एंड यह नंबर 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स होने वाला है 2025 में। अभी आप इसी आंकड़े से समझिए कि ग्लोबली बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ और साइबर भारत की इकोनॉमी है, अभी दर्शकों के रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, अभी 3 से 4 के बीच, 5 हम बनने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम 10 तक पहुंचेंगे। अब आप समझिए, जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है उससे दोगुना का फ्रॉड हो चुका है, सिर्फ उतने दोगुना का नुकसान हो चुका है सिर्फ साइबर फ्रॉड्स और इस तरह की ठगी से। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। प्लीज कंटिन्यू दीपिका जी। एंड इसमें अभी जब हमने कैटेगरीज लिए थे कि अभी अगर 100 क्राइम हुए हैं इस आंकड़े को बनाने के लिए, इसमें सबसे नंबर 1 कंट्रीब्यूटर था रैंसमवेयर और स्पाईवेयर, जिसमें डरा के धमका के आपके एक डिवाइसेस में बैकडोर एंट्री ली जाती थी, आपका डेटा एनक्रिप्ट या लॉक किया जाता था और उस डेटा के लिए आपसे रैंसम या फिरौती मांगी जाती थी। दूसरा था स्पाईवेयर, ये काफी टेक्निकली एडवांस सॉफ्टवेयर थे कुछ सालों पहले तक, बट उसके बाद हमने देखा कि डार्क वेब और ऐसे कई जो मार्केट्स हैं वहां पे ये रैंसमवेयर और वायरस टूल किट्स मिलने लग गए थे, जहां महज $15 में, मैं डॉलर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही देश ये क्राइम कर रहा है या एक ही देश पर ये क्राइम हो रहे हैं। तो $10-15 का ये जो आंकड़ा था, इससे आप एक टूल किट खरीद सकते हैं, आप जिससे अटैक करना चाहे, आपको उसके लिए कोई टेक्निकल नो हाउ होना भी जरूरी नहीं था। उसके बाद जैसे आपका अटैक सक्सेसफुल हुआ, एक रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट होता था बिटवीन द अटैकर एंड द डेवलपर ऑफ द वायरस। इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की तरफ यह बढ़ चुका है।
दूसरे आते हैं डीप फेक और सोशल इंजीनियरिंग क्राइम्स। आप जानते होंगे हमने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में कई दफा डिस्कशन किया है, स्पेशली जब लोन फिनटेक्स ऐप आते थे। तो इसमें हमने देखा है कि जब सोशल इंजीनियरिंग और एआई का इस्तेमाल करके आपका इम्पर्सनेशन होता है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चुराया जाता है, और इसको कैसे परफेक्ट करें यही जालसाज अभी काम कर रहे हैं। पहले था फेस इम्पर्सनेशन, फिर आया वॉइस इम्पर्सनेशन, फिर आया वॉइस प्लस फेस, अभी देखे हैं एक्शंस, डिजिटल आइडेंटिटी, इवन वेबसाइट्स। अभी हम पहले बोलते थे कि आप वेबसाइट पे जब जाते हैं तो अगर आप google.com पे हैं तो आप सारे अक्षर जो है अच्छे से देखें, GOOGLE, पर अभी सेम अक्षर में वो वेबसाइट एक फ्रॉडस्टर भी खड़ा कर सकता है। तो इस तरीके के जो एडवांस अटैक्स आते जा रहे हैं, इसमें जो हमारे पुराने पैतरे थे, क्योंकि आई ऑलवेज से दिस इज अ साइक्लिकल कॉज, 3 साल 5 साल बाद ये सारे स्टोरीज इवॉल्व होते हैं, क्योंकि पुलिस लॉ एनफोर्समेंट इनसे डील करना समझ गए हैं। अभी आप जब इनसे डील कर चुके हैं तो जालसाज अपना एक नया मुद्दा तो देखेगा ही जी। और तीसरा अगर हम बोले तो जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स है इंडिया में, स्पेशली जितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में पाए जाते हैं, जितने डेटा ब्रीचेस होते हैं, दो डेटा ब्रीचेस, एक बैंक जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट 7.3 करोड़ डेटा रिकॉर्ड्स उस बैंक के हुए, एंड फिर उनके ऊपर अभी लॉ एनफोर्समेंट की इंक्वायरी चल रही है, बिकॉज उन 7 करोड़ कस्टमर्स का डेटा खुला ओपन वेब पे पड़ा हुआ है कि उन्होंने कौन सा लोन लिया, उन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी, उन्होंने कितने में वो गाड़ी खरीदी, कौन से डीलर से वो गाड़ी खरीदी। मैं जब जब बिल्कुल दीपिका जी, मैं जब जब आप लोगों से बात करता हूँ, मैं अंदर से ना मेरी सिरहन दौड़ जाती है और मुझे समझ भी नहीं आता है कि ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। आशुतोष जी के पास आऊंगा, और जो दीपिका ने नंबर्स दिए हैं, 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर, आपको मालूम है 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? मैं अपने दर्शकों को सिर्फ बताना चाहता हूँ, अगर आप यूएस की एक मीडियन यूएस हाउसहोल्ड इनकम लें $60,000 की, अमेरिका में, हम अपनी बात नहीं कर रहे, अमेरिका में बैठा हुआ जो आदमी, सबसे अमीर आदमी जो बैठा हुआ है, $60,000 की अगर उसकी यूएस हाउसहोल्ड इनकम है, उसको 1 ट्रिलियन कमाने में अगर वो कुछ खर्च ना करे तो 16,000 साल लगेंगे। सर दर्शकों को हम थोड़ा सा ग्रेविटी समझाना चाह रहे हैं, 16,000 साल लग जाएंगे बिना कुछ खर्च किए 1 ट्रिलियन कमाने में। और ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो लगातार बढ़ रहा है, ये 8 से 10 ट्रिलियन का फ्रॉड है। तो आप समझिए कि दुनिया फ्रॉड में कितना पैसा समा रही है। आप पट्टी देख रहे होंगे ऊपर, जीवन भर की कमाई फ्रॉड में समाई, लेकिन इसका कौन पूछने वाला है, ये समझ से बाहर है। आशुतोष जी के पास चलते हैं, थोड़ा सा समझेंगे उनके कि भाई हमारे कानून में कुछ है या नहीं, या कानून ऐसे ही कागजी नजर आ रहे हैं टूथलेस टाइगर की तरह। आशुतोष जी देखिए, जो एक्सपेरियन का जो रिपोर्ट है कि 64% जो है लोग इससे अफेक्टेड हैं इस तरीके के फ्रॉड से, ये सच में एक चौंकाने वाला फिगर है, और इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा जो है साइबर फ्रॉड्स जो है अपना जगह बना चुका है इवन हमारे देश में। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो अभी बहुत सारे डेटा ब्रीच के केसेस जो है बहुत सारे हाई कोर्ट में जो है चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स उनके ऊपर चल रहे हैं, या फिर उनके टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। तो ये जो है कानून तो अपना काम एक तरफ कर रहा है, और अगर शायद कानून बिल्कुल नहीं होता तो ये क्राइम रेट इस तरह के होते कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। तो जहां तक लॉ का सवाल है, देखिए जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 में बनाया गया था इंडिया में, फर्स्ट टाइम उसको लाया गया, उसके पहले तो हमारे पास लॉ भी नहीं था, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा हुआ, जिस तरह से हमने आईटी का इस्तेमाल, जिस तरह से हमने साइबर जो इस्तेमाल हमने करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो है कानून की जरूरतें और बढ़ी, जिस तरह से क्राइम्स बढ़े तो जो है एहसास हुआ कि जो है कानून में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ नए प्रोविजंस को लाना चाहिए, और इसी वजह से टाइम टू टाइम कानून में भी बदलाव हुए। और जो रिसेंट बदलाव में बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं क्राइम्स के, उनको लाया गया है, जो कि जो हमारा पुराना, अगर हम देखें कि इंडियन पेनल कोड हो
या जो दूसरे लॉ के जो प्रोविजंस थे उसमें इतना नहीं, ज्यादा लेकिन आशुतोष जी हो ये रहा है, बड़ा क्विकली से मैं आपसे पूछूंगा, हो ये रहा है कि हम तो पुराने जो हमारे अनुभव हैं फ्रॉड्स के उस पर बेस्ड हम लॉज को बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, अब हो ये रहा है कि 67% लोग ये कह रहे हैं कि आज मैं ओटीपी फ्रॉड के बारे में जानकारी जुटाता हूँ, शाम तक पता चलता है कि कोई डीप फेक का दूसरा फ्रॉड आ गया, अब हम कैसे समझे? देखिए क्या है कि इसमें जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, देखिए दो पार्ट है, एक तो कानून लॉ और उसको जो इन्फोर्स करने वाली जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं। अब देखिए क्या है कि जब ये कानून लाया गया तो साथ में ट्रेनिंग की भी जरूरत महसूस हुई, और ट्रेनिंग जो है अब आज की डेट में आप देखेंगे कि हमारे पास साइबर सेल पहले नहीं हुआ करता था, स्पेशल जो बनाया गया कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है साइबर रिलेटेड तो आप वहां जाएं, आपके लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, आपके लिए ईमेल की सुविधा बनाई गई, तो ये कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट जो है सरकार ने टाइम टू टाइम इसके अंदर किया, जिस तरीके से क्राइम बढ़ते गए। देखिए कानून और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उसका पालन करती है कानून का और कोशिश करती है कि कानून के दायरे में रहते हुए क्राइम्स को किस तरह से मिनिमाइज किया लेकिन जाए। लेकिन ये पेस बड़ा स्लो है जी आशुतोष जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, और ये जो ट्रेनिंग की ट्रेन जो छूटी है हमसे, ये कभी हम पकड़ भी पाएंगे या नहीं? अमित दुबे जी बैठे हुए हैं पूरे देश में ट्रेनिंग्स देने के मामले में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इनके अब नाम कीर्तिमान स्थापित है, इनका बड़ा नाम भी है उसमें, अमिताभ बच्चन जी ने भी उसका जिक्र किया था केबीसी में, मैं उनसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कि भाई ये ट्रेनिंग की ट्रेन हमने कहीं छोड़ तो नहीं दी है बहुत बुरी तरह से। और एक छोटा सा मैं संशोधन भी कर दूं, हमने कहा था कि अमेरिकन हाउसहोल्ड को $60,000 के हिसाब से 1 ट्रिलियन बनाने में 16,000 जी नहीं, वो थोड़ा सा संशोधन कर दिया, कुछ जीरो छूट गए हमसे, 16 मिलियन ईयर्स लगेंगे सर आपको, 16 मिलियन ईयर्स, 1,60,000 सॉरी 1,60,00,000 साल लग जाएंगे 1 ट्रिलियन कमाने में। तो ये संशोधन था और बड़ा महत्वपूर्ण था जो ग्रेविटी को और थोड़ा सा दर्शा रहा है कि कितनी बड़ी दिक्कत में हम लोग हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर बातचीत आगे।
AI फ्रॉड, साइबर अटैक, साइबर क्राइम, अगर आपके लिए ये न्यू नॉर्मल है, आपको लगता है कि ये तो आए दिन होता ही रहता है, तो फिर अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई को लुटाने के लिए भी तैयार हो जाइए। बात हमारी कड़वी लग रही होगी, लेकिन दुनिया भर की रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं कि मामला गंभीर होता जा रहा है और समय से पहले अगर कदम नहीं उठाए गए तो फिर स्थिति विकराल हो जाएगी। मैं जैसा कह रहा था अमित जी कि जो ट्रेनिंग की बात जो आशुतोष जी ने कही, बड़ी मार्के की बात कही कि भाई ट्रेनिंग्स हम कैसे देंगे, लेकिन सवाल तो यही है ना, हम पीछे इतने हैं उनसे कि हमारी ट्रेनिंग्स तो ऐसा लगता है कि हफ्ते भर में बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे उस ट्रेन को सर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बहुत पुलिस ऑफिसर्स हैं, और ऐसे में सबको उस लेवल पर एक्सपर्ट बना देना इतना आसान नहीं है। जो हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग्स में कोई एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। हाँ, उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कैसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, डिजिटल एविडेंसेस कैसे प्रोक्योर करने हैं, कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करने हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर बात है रियल टाइम में क्रिमिनल पकड़ने की, और इसमें हर किसी को एक्सपर्ट बना पाना बहुत वक्त लगता है। ऐसे में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेनिंग होती रहेगी, लोग बदलते भी रहेंगे, और यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज आता है कि जिसको आप ट्रेन करते हो जिस डिपार्टमेंट में है वो 6 महीने 1 साल के बाद कहीं और चला जाता है, वो ट्रेनिंग उसकी वेस्ट भी होती है। तो ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है, और खास तौर से जो साइबर सेल है, जो एक मैं मुद्दा यहाँ उठाना चाहूंगा, उसमें जो लोग पोस्टेड होते हैं वो अपने आप को एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर पावर्स उतनी है नहीं। जो एक्शन है वो रियल थानों में, साइबर सेल में कोई एक्शन नहीं है जाके अरेस्ट करने का, और ये जिस तरह से जो आप पब्लिक डीलिंग है उस तरह की इन्फ्लुएंस वहां है नहीं, वहां बैठ के आप इन्वेस्टिगेशन करना। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे कि यदि कोई केस सॉल्व होता है, क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो आप उनको अवार्ड दीजिए, गैलेंट्री अवार्ड दीजिए, मेडल दीजिए। यहाँ एक 50,000 रुपए गन पॉइंट पे कोई लूट के ले जाता है और उसको कोई रिकवर कर ले तो उसको अवार्ड मिल जाएगा और उसकी बहुत वाई वाई भी होगी। और यहाँ पर यदि 6 करोड़ का जो केस हुआ क्रिप्टो करेंसी का, उसको भी कोई सॉल्व कर ले तो उसको एक प्रशस्ति पत्र भी मिलने में मुश्किल होती है। तो ये एक बहुत बड़ा, उसको ज्यादा ये होगा कि पनिशमेंट पोस्टिंग से उसको रेगुलर पोस्टिंग में डाल दिया जाएगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, मेरे पास वक्त कमी, मैं फटाफट से आ रहा हूँ। आपने बड़ा महत्वपूर्ण आयाम लेकिन छेड़ दिया है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार से जुड़ी हुई एजेंसीज, हमारा प्रोग्राम उन तक पहुंचे, तो प्लीज़ इस पे काम कीजिए जो इनपुट्स अभी अमित जी ने दिए हैं। अब दीपिका जी करें क्या, ये कह रहे हैं कि AI मशीन लर्निंग को ही लाना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 सॉल्यूशंस क्या हों? फर्स्ट दीपक जी, हमारा पुराना टर्म प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में हम जितने क्राइम के पैटर्न्स है उसको हम पहले एक ट्रेनिंग हिस्ट्री में लाए जिसमें हम उस AI को ट्रेन करें। इससे हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में किस टारगेट मार्केट के कौन से टाइप्स ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं। इंडिया में मंथली ऑन एन एवरेज 80,000 साइबर क्राइम्स रिकॉर्ड होते हैं, ये मैं NCRB के आंकड़े बता रही हूँ। इसको सिर्फ 65 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, ये इतना रेप्लिकेशन कर रहे हैं। दूसरा है, जितने भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, VPN वाले या जितने भी AI टेक्नोलॉजीज का है, इनका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों लोगों को बताएं, सो दैट अगर वो ऐसे किसी भी क्राइम में फंसने से पहले एटलीस्ट ये सोचे कि अवेयरनेस हुई थी, हमें बताया गया था, और ये केसेस पे एटलीस्ट थोड़ा ध्यान दे। तीसरा जो कि है साइबर इंश्योरेंस, जो कि एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडिया में उतना पिकअप नहीं हुआ है, बट जब जरूरत पड़ेगी वो आपके काम आ जाता है, आपके लॉसेस को रिकवर करना। और इसमें जागरूकता लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है कंज्यूमर एंड पे भी, और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स है उनके एंड पे भी, बिकॉज साइबर इंश्योरेंस ना कि आपके डिवाइसेस के लिए है, बट अगर आपको कोई रैंसम या देना पड़ा या आपके कोई फिरौती आ गई, जो नॉर्मल इंश्योरेंसेस में है वो भी ये कवर्ड है, तो वाई नॉट इन साइबर इंश्योरेंस, वहां पे पॉलिसीज डिफरेंसेस में आना पड़ेगा। शानदार, ये साइबर इंश्योरेंस का जो पूरा इकोसिस्टम है मुझे लगता है तो अब तो ये बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी पहल करें, शायद सरकार भी आगे आए, कुछ बात बने। अवेयरनेस की जहां तक बात है तो जब तक ये सारा ताना बाना बनता है इसमें सबको काम करना पड़ेगा। आशुतोष जी, क्या अवेयरनेस के लेवल पर हम लीगली बाउंड कोई सोल्यूशन ला सकते हैं कि सरकार को इतना पैसा अवेयरनेस पे डालना ही डालना है? आप ये भरोसे में मत रहिए कि दीपक डोवाल जी जब दुबे जी और दीपिका जी और आशुतोष जी के साथ शो करेंगे तभी जिम्मेदारी से बात जाएगी आगे, ये कुछ मत डिसाइड हो, कुछ पैसा खर्च करे सरकार, लीगली बाउंड कुछ हो सकता है क्या?
जी जी बिल्कुल, देखिए सरकार तो इसमें डिसीजन ले सकती है और इसमें जो है एक सर्टेन फंड्स को बिल्कुल अरेंज कर सकती है। और जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं है, देखिए सरकार ने भी नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जिसको हम साई ट्रेन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे ऑफिसर्स को जो है एक टेक्निकल पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम एआई की बात करें तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी एआई तभी यूज कर पाएगी जब वो खुद भी ट्रेंड हो, और इसी वजह से ये ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाया गया है, जिसके लिए ऑब्वियसली सरकार ने एक सर्टेन फंड्स को रखा है जिसका जो है उसमें खर्च करना जरूरी है। जहां तक अवेयरनेस की बात है तो मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो बहुत सारे लोग हैं जो इनोसेंट हैं जिनको इतना जानकारी नहीं है, या कुछ ओल्ड लोग हैं जो इतना समझते नहीं है सारे सिस्टम्स को, उसके बावजूद भी वो सेम लेवल ऑफ जो क्राइम जो हो रहा है उनके साथ, जो फ्रॉड हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो उसी में फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारे। मुझे लगता है ये आशुतोष जी आपकी बात सुन के ना, आशुतोष जी आपकी बात सुन के एक महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है सोल्यूशन, अब पता नहीं वो कितना हो। अब जैसे जो बुजुर्गों के साथ अगर फ्रॉड हो रहे हैं, अगर आपको मिनिस्ट्री वाइज इनको बांट दें, माना समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों की जिम्मेदारी ले ले कि साहब हम एक मद में खर्च करेंगे, हम इनको अवेयर करेंगे, ऐसे बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ले ले, इसी तरह से वयस्कों के लिए खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ले ले, या जो भी कौशल उद्योग से जुड़े हुए लोग, अगर मिनिस्ट्री वाइज अलग अलग हलकों में एक इंटीग्रेटेड सोच के साथ साथ एक टेलर्ड अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि फंड की भी कमी नहीं होगी, आपका जो फोकस होगा वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा, और शायद इस पर कुछ बात बने। लेकिन आज इसी नोट पर छोड़ रहा हूँ इसलिए कि इसको बहस को अगर आगे बढ़ाना है तो इसी तरह से हमें लेयर खोलनी होगी, और ये मेहमान हमारे साथ आते रहेंगे, बहुत ही सुधी मेहमान है। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला, आशुतोष जी थैंक यू सो मच, आपके साथ इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे समय समय पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।